बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो वाकया बताऊंगा, ये 30 मई 1990 का है, जब पाकिस्तान एयरफोर्स के जंगजू हवाबाजों को हदफ दिया गया कि इन्हें बग़ैर कोई सुराख दिए अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ अब्राहम लिंकन CN-72 के हद मुमकिन करीब जाना है और इसे अपने हदफ का निशाना बनाना है। दूसरी जानब अमरीकी बहरिया को हदफ दिया गया कि इन्हें इन पाकिस्तानी जंगजू हवाबाजों का सुराग लगाना है ताकि बेड़े पर मौजूद F-14 जंगी तैयारे इन्हें करीब आने से पहले मसनूई तौर पर मार गिराएं। दोनों हरीफों को अपना लाहे अमल के इंतखाब में मुकम्मल आज़ादी हासिल थी। अमरीकी बहरिया इंतहाई पुर एतमाद थी कि वो पाकिस्तानी मेराज तैयारों को आसानी से मार गिराएगी। इस एतमाद की अहम तरीन वजह इनके पास मौजूद रेडार और दूसरे आलात थे जो पाकिस्तान के पास मौजूद किसी भी टेक्नोलॉजी से बालातर थे। उनकी हैरत की इंतहा उस वक्त ना रही जब दो मेराई तैयारे ना सिर्फ इनके करीब आए बल्कि बेड़े की बलाई सतह के नीचे से फराटे भरते गुजरकर फिजा में बुलंद हुए। पाकिस्तानी जंगजू हवाबाजों ने इंतहाई ख़तरनाक समुंदर की सतह के करीब और रेडार की शुआओं के नीचे रहकर परवाज की और उन्होंने अपनी तादाद को तकसीम करके अमरीकियों को धोखा दिया कि शायद वो दूसरी जानब से हमला करेंगे। और जब उन्हें इन दो तैयारों का एहसास हुआ उस वक्त वो इतने करीब आ चुके थे कि तब तक उन्हें मार गिराने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और इस मश्क ने अमरीकियों के अफसरान बाला को भी झंझोड़ कर रख दिया। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के मुतल्लिक क्या राय है हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।